को पूरा करना चाहते हैं आप? प्रतिदिन तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ हमारे सामने कोई चुनौती आए जिसके साथ मैं जूझ सकूँ, और जब तक शरीर में सांस चल रही है तब तक मैं प्रयत्न करूँगा कि काम करता रहूँ। अमित जी, आप अंदर सर आपका जन्मदिन है आज, आपकी शुभकामनाएं सबसे पहले। किस तरह बीतेगा आज का पूरा दिन, अब तक सुबह से लेकर अब तक कैसा रहा आज का? अभी तो बस अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनसे मुलाकात हो रही है, और आप सब लोग इतनी भारी तादाद में आए हैं। आज हमने ये जो एक चैरिटेबल स्कीम है इसको घोषित किया है, इससे हमें बड़ी शांति मिल रही है, क्योंकि बाबूजी के नाम पर हमने जो ट्रस्ट शुरू किया है इसमें बहुत सारे लोगों को हम मदद करते रहते हैं, और आज भी ये 3000 घरों में ये बिजली पहुंचाई जाएगी सोलर पैनल के द्वारा, और ये मुफ्त होगी उनके लिए। ये अभी शुरुआत है और शायद इसका उद्घाटन हो जाएगा नवंबर तक, बाय नवंबर जो कमीशन होगा वो नवंबर में हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम इसे और बढ़ाना भी चाहेंगे। तो सर क्या मिलेंगे, कुछ तोहफे गिफ्ट वगैरह, थोड़ा स्पेशल? आप लोग आ गए, बस यही सबसे बड़ा तोहफा है। We have got 100 homes in each state of India. So it will be pan in India, 28 states all across India. शुरुआत कहाँ से करी जा रही है सर? No, we are doing it all together. We have already engaged with the villagers. We have already identified the villagers, and we have identified the beneficiaries as well. So it will go all together, and we'll announce it later on when the commissioning happens. मतलब बच्चों अगर ये कही जाए बात, अगर ये बात कही, आपके जीवन में जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे इस साल? जी, पिछले साल तो बहुत धमाके के साथ जन्मदिन मनाया गया था, इस साल जीवन में क्या खास लगती? अब वो पिछला साल था, अब अगला साल हो गया, अब उसका कुछ और ही महत्व था। वो 70 वर्ष थे, मैं तो समझता हूँ कि प्रत्येक वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष जो है इसी तरह का उत्सव मनाना कुछ संभव नहीं होगा, तो एक बार हो गया सो हो गया। जब उसकी खबर सुनी तो ऐसा लगा कि सारे देश का हृदय कुछ थम सा गया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय क्रिकेट का हृदय जो है वो शायद हमेशा के लिए थम गया, ऐसा लगा। शब्द नहीं है किस तरह की उनकी तारीफ की जाए या उनके बारे में कहा जाए। ही हैज़ बीन ए फिनोमिनल एथलीट, एंड नॉट जस्ट एक्सेलिंग हिमसेल्फ इन द गेम दैट ही प्लेज, बट आई हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ of great excellence for the country, and for him to retire from this is just unimaginable, and somewhere we cannot imagine that cricket will be the same without him. But we wish him all the very best. He has served the nation and the country for so many years and created so many unbelievable records, perhaps never ever to be matched again by any other individual. ये पहली बात तो ये कि वो जो खबर छपी उसका टाइटल गलत है, उसमें लिखा है 102 नॉकआउट, वो होना चाहिए नॉट आउट, तो उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा। ये उमेश शुक्ला जी की कहानी है, टी सीरीज इसे बना रहे हैं, और अगले वर्ष इसकी शुरुआत होगी। इसमें परेश रावल होंगे और मैं होऊंगा। कहानी अभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि फिर कहानी बाहर निकल जाएगी, लेकिन उमेश शुक्ला जी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और टी सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं।